बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नाबुदु व इयाक नस्ताईन। क्या आप हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं और अपनी बढ़ती हुई शुगर से बहुत ज्यादा परेशान हैं? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर आप दवाइयां खा खा कर तंग आ चुके हैं फिर भी आप अपनी ब्लड शुगर को नीचे नहीं ला पा रहे, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 ड्रिंक्स जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। नंबर 1, ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने में बहुत बेहतरीन साबित होती है। दिन में 2 से 3 कप आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर का इस्तेमाल यानी चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अगर इसके साथ आप लेमन का भी इस्तेमाल कर लें ग्रीन टी के अंदर, अगर आप लीमू डालकर भी पिए तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। नंबर 2, एक ऐसी ड्रिंक जो कि आपको सस्ते में ही मिल जाती है। जी हाँ, पानी। पानी आपकी ब्लड शुगर को किस तरह कंट्रोल करता है? अगर आपके अंदर डिहाइड्रेशन होती है तो इससे आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से शुगर के जो मरीज होते हैं उनको ज्यादा पेशाब आता है, रात में उनको इस तरह के मसाइल ज्यादा होते हैं। इसीलिए उनको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब वो पानी पियेंगे तो गुर्दों के जरिए जो यूरिन पास होगा वो उनकी जो ग्लूकोज लेवल उनका बढ़ रहा है, जो शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको भी यूरिन में निकाल देगा, जिसकी वजह से आपकी शुगर नॉर्मलाइज होगी और आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 3, हर्बल टी। हर्बल टी के अंदर आप कैमोमाइल टी, हिबिस्कस टी, पेपरमिंट टी, जिंजर टी यानी अदरक की जो चाय होती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमोमाइल और हिबिस्कस टी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है इसके फायदों के बारे में तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। हर्बल टी के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि शुगर के मरीजों के अंदर जिस्म के अंदर जो सोजिश हो चुकी होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, और जो आपकी बढ़ती हुई शुगर होती है उसको भी नॉर्मलाइज करने में आपकी हेल्प करती है। नंबर 4, एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, सेब का सिरका। सेब का सिरका भी आपके अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि खून के अंदर जो ग्लूकोज लेवल जज्ब नहीं हो रहा होता उसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है और आपकी जो लबलबा है वो काम करना छोड़ देता है। तो एप्पल साइडर विनेगर आपके लबलबा को भी ठीक करेगा और आपके इंसुलिन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर 5, लेमन वाटर यानी कि लीमू पानी। लीमू पानी एक रिसर्च के मुताबिक 30% तक ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके अंदर मौजूद जो न्यूरोपैथी होती है उसको कम करता है, यानी जो आपके हड्डियों में सोजिश आना शुरू हो जाती है, आपके जो आपके रगे होती हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं, उसको प्रिवेंट करने में आपकी हेल्प करता है और इसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी आपके अंदर बढ़ाता है। नंबर 6, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि आपने स्किम मिल्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। अगर आप ज्यादा कार्ब वाले मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर मौजूद होती है, इसलिए आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 7, ग्रीन स्मूथीज यानी कि जो हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनका आपने स्मूदी बनाकर उसको शेक बनाकर पीना है। उसमें आप किसी भी फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि बेरीज, इससे आपको फाइबर्स मिलते हैं। नंबर 8, अनस्वीटेंड कॉफी यानी कि बिना शुगर के जो आप कॉफी पीते हैं उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल में 25% तक कमी आती है, और अगर आप शुगर के बगैर कॉफी पीते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है, और एक रिसर्च के मुताबिक 25% टाइप 2 डायबिटीज को कम देखा गया है उन लोगों में जो कि कॉफी का इस्तेमाल बगैर शुगर के करते हैं। तो कॉफी आपको टाइप 2 डायबिटीज तक जाने से प्रिवेंट करती है। नंबर 9, पोमग्रेनेट जूस, जिसको अनार का जूस भी बोला जाता है। इसमें फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जिससे आपकी डायबिटीज में कमी आती है, और इसके अंदर मौजूद फाइबर्स आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। और जो सबसे लास्ट पर है नंबर 10, बीटरूट जूस। बीटरूट जूस के अंदर डाइट्री नाइट्रेट्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।